छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने झारखंड बनाया है और बीजेपी ही इसे संवारेगी। झारखंड में बीजेपी की सरकारें बनती ही पार्टी का हर वादा और संकल्प और गारंटी बन जाएगा। राज्य में जीत बीजेपी की ही होनी चाहिए क्योंकि यह पार्टी के हर कार्यकर्ता के स्वाभिमान का सवाल है। विजय शर्मा गिरिडीह के स्वर्ण कॉम्प्लेक्स में बीजेपी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बीजेपी के पंच प्रण को घर घर पहुंचाने का आह्वान किया। विजय शर्मा और गिरिडीह से पार्टी के प्रत्याशी निर्भय सहवादी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर कार्यालय का उद्घाटन किया। विजय कुमार शर्मा ने गिरिडीह में बीजेपी के चुनाव कार्यकाल का उद्घाटन किया, कहा कि झारखंड में बीजेपी की जीत होनी चाहिए। बीजेपी प्रत्याशी निर्भय सहवादी ने कहा कि इस बार पार्टी गिरिडीह विधानसभा सीट के साथ जिले के सभी विधानसभा सीटों पर जीत का परचम लहराएगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि सबकी ताकत उनके सीने में भर गई है। इस ताकत को 20 नवंबर को मतदान के दिन उपयोग करके बीजेपी को भारी मतों से विजयी बनाना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर झामुमो सरकार की नाकामियों को बताकर भाजपा के वादों को हर मतदाता को बताने का आह्वान किया। सहवादी ने झामुमो सरकार पर अपने कार्यकाल में घोर भ्रष्टाचार, जमीन लूट, महिला उत्पीड़न, आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक शोषण और राज्य का विकास बाधित करने का आरोप लगाते हुए व्यवस्था परिवर्तन को बहुत जरूरी बताया। कार्यक्रम के दौरान गिरिडीह सीट से बीजेपी के दावेदार रहे दिनेश यादव भी पहुंचे थे। उनके आने से निर्भय सहवादी काफी उत्साहित दिखे। दिनेश का स्वागत करते हुए कहा कि जब उनकी ताकत दोगुनी हो गई है। पहले बीजेपी प्रत्याशी निर्भय कुमार सहवादी पूजा अनुष्ठान में शामिल हुए। कार्यक्रम में पूर्व विधायक चंद्रमोहन प्रसाद, मुकेश जलान, संदीप डंगेच, हरमिंदर सिंह बग्गा, विनीता कुमारी, पूनम प्रकाश समेत पार्टी के अन्य अतिथि और कार्यकर्ता मौजूद थे। जो हमारे बड़े भाई हैं, उनको पैर छूकर मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपना वोट बर्बाद नहीं करना है। आपके यहां से जो बाहर गए हुए जितने वोटर्स, उनको निश्चित रूप से बुलाइए। एक एक वोट की कीमत होती है, आप उनको बुलाइए। अभी कल हमारे पास आया सूचना कि 300 लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ा है। बताइए कहां सर्वे हम लोग, जो अपना वोट है वहां पर 300 वोट नाम नहीं चढ़ा पाए। किसकी गलती है? हमारी गलती तो हम मानते हैं, हम लोग स्वीकारते हैं कि मेरी गलती है, लेकिन हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को, साथियों को मंथन करने की आवश्यकता है। इसलिए हमसे कहते हैं आप जो बाहर में हमारे मतदाता हैं उनको बुलाइए, निमंत्रण दीजिए। जो दूसरे दल के भी लोग हैं, बुजुर्ग माता बहने, उनसे भी आग्रह कीजिए। और उस दिन सुबह से एकदम निकल करके मतदान केंद्र पे अपनी ताकत को दिखाने का काम कीजिए। घर घर से लोगों को निकाल करके मतदान कराने का काम कीजिए। यही अपनी राज में आपसे कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि आप उसमें खड़ा उतरने का प्रयत्न करेंगे, खड़ा उतरेंगे। बोलिए खड़ा उतरेंगे या नहीं? बस इससे विशेष कुछ नहीं कहता मैं। अंत में आप लोगों से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ करके, ऐसे तो हमारे प्रोफेसर साहब कह चुकी हैं, मुट्ठी बंधवा चुकी हैं, लेकिन मैं भी आग्रह पूर्वक आपसे कहता हूं, दोनों मुट्ठी तान के एक बार अपना इरादा स्पष्ट कीजिए। दोनों मुट्ठी तान लिए हवा में उठाइए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सरकार बनी है, भलाई सरकार उनकी बनी है, लेकिन शपथ उन्होंने भारतीय संविधान को हाथ में रख कर लिया है। ये हमारे लिए स्वाभिमान का विषय है, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। हमारे पुरखे, हमारे नेता खपका जम्मू कश्मीर के नाम पर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने बलिदान दिया स्वयं का जम्मू कश्मीर में जाकर के, उनका संकल्प हम सबने आगे बढ़ाया, पीढ़ियां बदल गई। भाजपा के कार्यकर्ताओं का संकल्प नहीं बदला
और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 370 हटाकर दिखा दिया दुनिया को ये भाजपा के कार्यकर्ता है। हमारे संतुष्टि का विषय भी यही है, हमारे संतुष्टि का विषय भी यही है कि अब तक तुम तो जम्मू कश्मीर के संविधान को हाथ में रखकर शपथ लिया करते थे, भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी केंद्र में, भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी केंद्र में, और आज जब आपने शपथ लिया है तो भारत के संविधान को हाथ में रखकर शपथ लिया है। संविधान की रक्षा यह भाजपा का काम है, संविधान को साथ लेकर चलना यह भाजपा का काम है। संविधान कितनी बार बदले गए देश में, संविधान कितनी बार बदले गए देश में, थोड़ा ध्यान लगाकर देख लीजिए। भाजपा ने आज संविधान का मान बढ़ाया, एक और राज्य में देश के संविधान के आधार पर शपथ ग्रहण हुआ जिसको रोक कर रखा था आज तक इन्होंने, जिसको रोक कर रखा था। और एक और बड़ी सरकार बनी थी, आपको बता दूं, सन 1984 के बाद राजीव गांधी जी की सरकार देश की सबसे बड़ी सरकार बनी थी, और तब इन्होंने संविधान में संशोधन किया था। याद होगा आपको शाहबानो प्रकरण का, याद होगा जो सीनियर लोग हैं उनको याद होगा, ये वो शाहबानो नाम की बहन हमारी वो छोटे से अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गई इस बात के लिए कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया तो मुझे गुजारा भत्ता दे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय किया सिंगल बेंच में के गुजारा भत्ता दिया जाए। और उसके बाद कट्टरपंथी पहुंच गए सारे राजीव गांधी जी के पास, और तब संविधान का संशोधन किया गया, आपको ध्यान होगा विषय, तब संविधान का संशोधन किया गया और ये कहा गया कि इनके लिए आवश्यक नहीं है कि अपनी पत्नी जिसको छोड़ा है उसके लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, उसके लिए गुजारा भत्ता दिया जाए। उसके बाद उन्होंने डबल बेंच में लगाया उनके पति ने, और डबल बेंच ने कानून के प्रावधान के आधार पर कहा कि गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं है। वो महिला जो नीचे से लेकर ऊपर तक सालों लड़ती रही उसको हराने के लिए संविधान का संशोधन किया। ऐसे संविधान की भावनाओं का तिरस्कार करने वाली वो कांग्रेस की पार्टी और अन्य देश की पार्टियां रही। मैं निवेदन पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं हम लोग, भाजपा के ऊपर आरोप लगाया गया कि जब बाबरी ढांचा का ध्वंस हुआ था कहा गया कि भाजपा के लोगों ने कर दिया, और भाजपा की सरकारें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश सारी सरकारें बर्खास्त की गई थी कि नहीं की गई थी। 3-6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हुए थे, क्या मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई थी क्या, आपको ध्यान है विषय, क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई थी क्या, आपको ध्यान होगा विषय। आज जब मंदिर बनकर तैयार है तो भी हम अयोध्या में हार गए हैं, आपको अच्छे से ध्यान है विषय। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि भगवान राम का मंदिर वहां बने, कहते हैं कि भाजपा चुनाव के लिए या राजनीति के लिए इस विषय का उपयोग करती है, कहां राजनीति का फायदा दिख रहा है इस विषय पर बताए कोई मुझे, कहां राजनीति का फायदा दिख रहा है इसमें, आपको दिखता है कहीं राजनीति फायदा। अरे हम कठिन राजनीति करने वाले लोग हैं, हम देश के मान बिंदुओं के लिए राजनीति करने वाले लोग हैं, हम देश की जनता के स्वाभिमान के लिए राजनीति करने वाले लोग हैं। सरल राजनीति करना अलग बात होती है, लोगों को लड़वा दिया जाए, कैसे भी वोट बटोरा जाए और फिर सरकार बना ली जाए, ये सरल राजनीति करने वाले, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे लोग।